मालिक ताहिरपुरा निवासी मंसूर अहमद पुत्र अफजल काफी दिनों से नकली भारतीय मुद्रा का व्यवसाय करता था। वह नेपाल के बीरगंज में भारतीय मुद्रा लाकर ग्रामीण इलाकों में सप्लाई करता था। नोटबंदी के पश्चात पुरानी मुद्रा का धंधा बंद हो गया। तब वह कई बार नई नोट लाकर शहरी क्षेत्रों में चलाने का प्रयास किया, लेकिन नोट नहीं चल सका। उसके बाद वह घर पर ही कलर प्रिंटर, स्कैनर इत्यादि रखकर 10 और 20 रुपए के असली स्टाम्प पेपर खरीदकर उसके कागज पर बड़े मूल्य के 2000 और 500 के नोटों की छिपाई कर बड़े आराम से मार्केट में खपा दिया करता था। इस संबंध में ATS यूनिट वाराणसी व कोतवाली नगर द्वारा संयुक्त अभियान में युवक के घर छापेमारी कर एक कमरे में नोट छपाई कारखाना पकड़ा गया, जिसमें मुख्य अभियुक्त मंसूर पुत्र अफजल ने साथ नगर के ही मुंशीपुरा निवासी तालिब अंसारी व उस्मान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस संबंध में पुलिस ने 1000 रुपये बरामद करते हुए एक लैपटॉप, प्रिंटर, मोबाइल इत्यादि के साथ 10 से 124 स्टाम्प पेपर बरामद किए। संबंध में मुकदमा दर्ज कर अपराधियों को जेल भेज दिया गया है। काफी लोग जो है पुलिस की विभिन्न एजेंसियों के वॉच में रहते हैं, उसी के तहत जो है 3 लोग ही अरेस्ट हुए हैं और जिनके पास से 1,39,000 नकली नोट बरामद हुई है। ये तीनों मोहम्मद मंसूर, मोहम्मद तालिब, मोहम्मद उस्मान कोतवाली शहर के रहने वाले हैं और इसमें जो गैंग लीडर है ये मोहम्मद मंसूर है। इनके बारे में इन्होंने पूछताछ में ये बताया है कि जब 500 रुपए की नोट बंद हो गई तो ये उसके पहले नेपाल से फेक करेंसी लाया करते थे। नोट बंद होने के पश्चात वहाँ से जो नई करेंसी बनी थी इंडिया की वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पा रही थी या जो मिल रही थी बहुत रफ क्वालिटी की थी, उसको चलाना बहुत मुश्किल था। इसको देखते हुए ये जो गैंग लीडर है मोहम्मद मंसूर अपने घर पर ही